अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, तो आप सबका वेलकम हमारे सेकंड व्लॉग में। तो पिछला जो व्लॉग था जिसमें उन्होंने हमें सपोर्ट किया, लोगों ने सब लाइक भी किया, शेयर भी, तो आज का सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं आज MBK सेंटर की तरफ। तो जिनको शॉपिंग मॉल है तो हम यहाँ के रेट्स उनको बताते हैं कि यहाँ किस तरह के माल मिलते हैं और किस रेट पर मिलते हैं और वहाँ के क्या ब्रांड्स हैं, यहाँ के क्या ब्रांड्स चलते हैं, तो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। अच्छा जी, तो पिछली बार की तरह जो है अब इस बार इतना लंबा नहीं करेंगे, बहरहाल ये है कि शॉर्ट आपको अपना रूम टूर देंगे, क्योंकि पिछला जो होटल था वो जो है ना हमने छोड़ दिया और अभी हम दूसरे होटल में आए हुए, ये सुकुम तो समाला होटल बैंकॉक, दैट्स द नेम ऑफ आवर होटल। तो अभी आपको हल्का सा शॉर्ट टूर कराता हूँ अपने रूम का, ताकि जो है ना आप लोग भी देख सकें। हमारा रूम ये 2 beds का है हमारा, ठीक है, और उसके बाद ये अपना सिटिंग एरिया होगा जहाँ मैं अभी बैठा हुआ था। तो ये अपना टेलीफोन है यहाँ पे उनके कस्टमर सर्विस के लिए, जो भी चाहिए खाना मंगवाना हो जो भी हो, तो ये आपके पेन वगैरह, और यहाँ पे आप नोट्स लिख सकते हो अपने टू डू थिंग्स, और यहाँ पे जनाब ये पूरे रूम की जो लाइट्स वगैरह है वो यहाँ से ऑपरेट होगी, पावर सॉकेट्स दिया हुआ आपको यहाँ पे, आपको जो है ना काम वाम करने के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए आपको जो है ना जो लैपटॉप वगैरह है वो यहाँ पे आप रख सकते हो, और उसके बाद जो सॉकेट्स दिए हुए दो उस पर अपना फ़ोन भी चार्ज कर लो। और यहाँ से जी हमारा होटल के व्यू, तो हम लोग जो है 4th floor, तो यहाँ से जो ये नेक्स्ट वाला जो है ये भी समाला का है और ये दूसरा भी, ठीक है, तो बड़ा होटल है इनका, और नीचे जो है ना गार्डन एरिया है, और यहाँ जो ऊपर आप देख सकते हो ये स्विमिंग पूल एरिया है, ठीक है, जो कि बाद में आपको दिखाया जाएगा। तो लेट्स गो टू द वॉशरूम, जिसका लोग सबसे बेसब्री से इंतज़ार करते हैं वैसे। तो ये सामान रखने की जगह है, ये हमारा सेफ है, और यहाँ पे जो है ना आप अपना पासवर्ड लॉक कर सकते हो और हैश दबा के आप पासवर्ड अपना सेट कर सकते हो, ठीक है, तो देख सकते हैं आप। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू आवर वॉशरूम। हाँ जी, रेडी हो? यस सर। ओके, दैट्स गुड, ठीक है। तो ये अपना वॉशरूम एरिया, बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है और बड़ा ज़बरदस्त अमेरिकन ब्रांड है, ये मिरर भी चेक कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त, मतलब लश पश पैसा वसूल वाला सीन है, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल क्लोजअप लुक, ताकि जो है ना आप अपनी दाढ़ी वाड़ी बना सकते हो सर इधर। तो अगली बार जो है ये अपना आ गया शावर का, तो यहाँ आप शावर वगैरह ले सकते हो, तो प्रॉपर जो है ना अपना अमेरिकन स्टैंडर्ड है, और हॉट वाटर कोल्ड वाटर जो आप चाह सकते हो उस तरह के 2 showers लगे हुए इधर, ठीक है। और ये है पूरा आपका शावर रूम के व्यू। तो ये हो गया जी अपना वॉशरूम। तो सुबह सुबह स्टाफ जो है ना यहाँ पे आती है भाई आपकी क्लिनिंग वगैरह के लिए, पानी छोड़ने के लिए, तो बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी है, मुझे तो पसंद आया फिलहाल। बाकी आप लोग भी अगर आना चाहो बैंकॉक तो आप आ सकते हो, सुकुम विथ 1511 में ये होटल जो है ना वाक़ है, तो यहाँ पर आके आप स्टे कर सकते हो। सो नेक्स्ट हमारा जी ये है हमारा लिफ्ट, तो ये लिफ्ट जो है आपके कार्ड पे ऑपरेट होता है, जब तक जो है ना आपके कार्ड आप यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे तो उसके बाद जो है ना आप फ्लोर सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी 1st floor आने के लिए आप विदाउट की भी आ सकते हो, उसका इशू नहीं होता। तो ये जी अपना किचन एरिया, और यहाँ पे आगे की तरफ जो है ये रिसेप्शन एरिया है, तो ये अपना एग्जिट एरिया है भाई, यहाँ से बड़ी पार्किंग दी हुई है आपको। ज़्यादा होने की वजह से हमें लगे कोई 30 minutes, आई गेस,
30 मिनट हमें लग गए यहाँ पहुँचने तक। तो अभी फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग, तो अभी देखते जहाँ हमें समझ आया वहाँ आपको ले जाके दिखा देंगे, प्राइस वगैरह भी और ब्रांड वगैरह भी दिखा देंगे आपको। तो ये जी इनका नीचे का पोर्शन फर्स्ट फ्लोर का, और ये जो है ना फिलहाल के लोकल ब्रांड्स हैं। बाकी भी आपको दिखाते हैं, ये जो है ना कैफे, बैठने की जगह, आप बैठ के सुकून से इधर खाओ पियो मज़े करो एंजॉय करो। एक्सचेंज हुआ सूक है यहाँ पे, ये है $1 शॉप स्टारबक्स, वही रंग है। यहाँ पे हनी वगैरह आप चेक कर सकते हैं। हम लोग आए हुए अभी इंडियन एक्सचेंज में, क्योंकि सुबह जब हम उठे थे हमने नाश्ता वाश्ता नहीं किया था, तो पहले नाश्ता वगैरह होना चाहिए, तो उसके बाद जो है ना हम मस्जिद निकलेंगे अगर डिस्कवरी की तरफ। तो हम अभी जहाँ बैठे हुए हैं ये इसका नाम है इंडियन एंड थाई, अलीज़ भी है साथ में, वो मुझे नहीं पता क्या है बारल है। तो ये अपना इंडियन भाइयों का रेस्टोरेंट है, ये MBK सेंटर में पड़ेगा आपको ग्राउंड फ्लोर। तो अभी हमने सालन वगैरह मंगवा लिया है, चिकन बिरयानी, और उसके बाद चिकन का सालन मंगवा दिया, अपना लस्सी मंगवा दिया, और उसके बाद चाय। तो ये सब खाने पूछने के बाद हम लोग फिर मस्जिद डिस्कवरी के लिए निकलेंगे। तब तक यहाँ पे देसी मिल जाए तो क्या ही बात हो जाती है भाई। ये हो गया अपना चिकन, और ये नान फौरन में भी आ गया। आप अगर अपना देसी जो मतलब ये हमारा खाना वगैरह आ गया, तो ये अपना देसी रोटी साथ में मज़ा आएगा। देखते हैं इनका टेस्ट किस तरह होता है। ये जो हमने मंगवाया है चिकन और आलू का सालन है, जबरदस्त टेस्ट है, सेम घर वाला टेस्ट है। जब भी आए आप भी बैंकॉक RBM सेंटर, MBK सेंटर है, तो यहाँ आप आके जो ना इंडियन रेस्टोरेंट में देसी मज़ा आप ले। प्रॉपर तो इनका रायता भी बड़ा ज़बरदस्त बना होगा, वो भी चेक कर सकते हो। आप कितने कर सकते हो वाला, ये फील करो, मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ उस तरह फील करो, आपको भी मज़ा आएगा। तब खाने के बाद अब वारी आई अपना लस्सी, मेरा शो में कोई गड़बड़ है बस, अभी ये भी इसको पकड़ के पीना हो रहा, लेकिन ज़बरदस्त है। तो सालन वालन तो खा लिया हमने, तो अभी बारी है अपना चाय की। तो ये तो हमारा कौमी है, इंडिया हो पाकिस्तान हो, हमने चाय लाजमी पीना है, ठीक है। तो अभी चाय वाय पी के फिर आपको मज़ीद अपडेट देते हैं, तो जाएंगे फिर अपना डिस्कवर करने के लिए MBK सेंटर। तो खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग वापसी निकले हैं, हमने थोड़ा सा ये वहाँ के रेट के कंपेरिजन तो ये देख लिया। अभी 150 बात पे जो ना ये किसका सेल लगा हुआ है 198, तो यहाँ हम लोग थोड़े चेक कर सकते हैं वैसे क्या मामला थे चेक ना दोस्त। तो ये ग्राउंड फ्लोर में जितने भी है बस ये कि अपना डंडे वाला माल है सारा, लेकिन उनको जो है ना उनका थोड़ा मेक ओवर करके यहाँ लगाया गया, जैसा अपना मशरक़ में है और अपना लाइट हाउस में है सेम सिचुएशन यहाँ भी है सर। तो ये यूज़ में ये तो खैर इनके अपने ब्रांड्स हैं, वो ऑथेंटिक ब्रांड है इनका। बाकी यहाँ से शायद ख़त्म हो गया, नहीं आगे और भी है ऐसा, ये देख सकते हैं रिट्यूट ये भी। तो इधर थोड़ा सा वैसे पसंद आ गया, कलरफुल है। एक्सक्यूज मी How much for this? 680. ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन
यार नीचे तो कुछ मिला नहीं, तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, वहाँ देखते हैं। और इनका जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे बस इनके जो ना ग्रोसरी वगैरह के सामान किचन वगैरह के ये मिलते हैं, बाकी सेकंड फ्लोर पर भी जाके देखते हैं। तो सीन ये है कि बस वहाँ से हम लोग निकल गए, तो कंपेरेटिवली अगर रेट देखा जाए तो पाकिस्तान इज़ मच चीपर, ठीक है। यहाँ पे कम से कम वही जूते आपको पड़ रहे 12,000-13,000 पाकिस्तानी, ठीक है, जो आपको वहाँ पे 3,000-4,000 में मिल सकता है। तो अभी ये कि बस खाली शर्टें हमने ले ली, तो अभी जा रहे दूसरी जगह सेंट्रल वर्ल्ड, तो वहाँ जाके आपको थोड़े नज़ारे दिखाते हैं, ठीक है जी। तब तक के लिए लाफीज़। बस अभी है कोई 20 मिनट का रास्ता है, तो वी डिसाइडेड कि हम लोग पैदल चले जाएँ तो अच्छा रहेगा, थोड़ा वॉक भी हो जाए, बंदे को थोड़ा हेल्दी भी होना चाहिए और हवा भी सही है यहाँ की, तो वॉक करने का मूड भी होता है बंदे को। तो बच्चे आपको दिखाते हो मजीद, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं सेंट्रल वर्ल्ड। अच्छा, तो बसेज में यहाँ पे चेक कर सकते हो, 3 कैटेगरीज में चलती है, ठीक है। एक तो आगे वाला हो गया, एक दूसरा जो है ना इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और थर्ड वन जो है ये इनका टर्मिनल, इनका प्रॉपर स्टॉप होता है, ठीक है। तो इसके अलावा बसेज भी इनके खाली 3-4 इनके बसेज है, इसमें लोग सफ़र करते हैं, ठीक है। स्टेशन टू स्टेशन पे डिपेंड करता है सारा, बाकी मेनली जो है ग्रैब यूज़ करते हैं। और ऊपर जो है ना ये ट्रेन की पटरी है पूरी, यहाँ भी 3 किस्म के ट्रेन चलते हैं, ठीक है। तो बाकी इस पे भी प्रॉपर एक वीडियो बनती है कि भाई इनके पास वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितनी है, इस पे प्रॉपर वीडियो बनेगी। तो तब तक के लिए इसी पे बने रहिएगा। आए हुए सेंट्रल वर्ल्ड, वहाँ से हम लोग निकल गए थे एमबीके क्या था, एमबीके मॉल बड़े, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग सेंट्रल की तरफ आए, तो यहाँ पे जो है ना हमने शॉपिंग की H&M से, ठीक है। तो रेट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान से ज़्यादा महंगा यहाँ पड़ता है हमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेट इनके डबल है प्रॉपर, तो वहाँ में ज़्यादा जो है ना वो चीप पड़ता है यहाँ के मुताबिक, ठीक है। जो वहाँ में 1,000 की है, यहाँ पे कम से कम आपको 6,000-7,000 की मिलेगी शॉर्ट्स। तो उस मुताबिक देखा जाए तो सेवेयर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो वहीं से शॉपिंग करें, यहाँ पे ना आए शॉपिंग के लिए, जो भी करना आप वहीं से करके आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द एप्पल स्टोर, तो वहाँ से हमें थोड़े से एयरबड्स लेने हैं, पैसे नहीं हैं भाई साहब, अपने फ़ोन को चाहिए, फ़ोन चाहिए इनको। तो अभी हम लोग आ गए एप्पल स्टोर, तो अभी भाई का फ़ोन रेडी हो रहा है, दे हैव टोल्ड अस टू वेट फॉर 5 मिनट्स, तो अभी उसी पे वेट कर रहे हैं। बाकी यहाँ का एप्पल स्टोर जो है इट्स वेरी बिग, ठीक है, 2 फ्लोर्स पे बने हुए हैं और ज़बरदस्त सेटअप है इनका। बाकी हर चीज़ आई मैक्स लेके आए, बट थोड़ा अगर थाईलैंड आओ, सेंट्रल वर्ल्ड आओ, यहाँ पे आपको एप्पल स्टोर से जो ना आईफोन से लेके एयरबड से लेके एयरपोर्ट से जो भी लेटेस्ट सामान आते हैं यहाँ से आपको मिल जाएंगे। चीज़ें डिस्कवर की, पहला तो अपना MBK और सेकंड वन जो है ना सेंट्रल वर्ल्ड, ठीक है। ये पीछे आपको एप्पल स्टोर दिख रहा है, तो ये भी आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये एक दूसरे से मतलब MBK और सेंट्रल वर्ल्ड जो है लाइक 10 मिनट्स के रास्ते पे, मतलब पैदल आप वॉक करो तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, तो नेक्स्ट व्लॉग तक साथ में रहिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।